हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर प्लेंट ईयर्स में। आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि वॉलपेपर को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे वॉलपेपर लगाते वक्त कोई भी गलती ना हो। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वॉलपेपर लगाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है क्लीनिंग। जो वॉल है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, अगर वॉल पुरानी है, मींस अगर पुरानी दीवार है, सो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वॉल में कोई भी मॉइस्चर ना हो, ना कोई किसी टाइप का फपड़ी हो, मींस जो पेंट पहले से हुआ है उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए उसमें मॉइस्चर है, पेंट उखड़ रहा है, सो पहले आपको वॉल को ठीक कराना होगा एंड उसके बाद ही जो है उस पर वॉलपेपर लगाना चाहिए। सो यही वो ग्लू है और वी कैन से एडेसिव है जिसकी हेल्प से वॉलपेपर को वॉल पे फिक्स किया जाता है। बेसिकली ये पाउडर के फॉर्म में आता है एंड इसमें वाटर को ऐड करके इस ग्लू को प्रिपेयर किया जाता है। ग्लू को प्रिपेयर करते वक्त इसमें आप थोड़ा सा फेविकोल भी ऐड कर सकते हैं जिससे स्ट्रेंथ और बेटर मिल सके। नाउ ग्लू प्रिपेयर करने के बाद जो वॉलपेपर है उसको एरिया के अकॉर्डिंग, मींस वॉल के एरिया के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। उसके बाद ग्लू को जो है वॉलपेपर पे एंड साथ में वॉल पे भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वॉल में आपने ग्लू को अप्लाई कर दिया एंड आफ्टर दैट डायरेक्ट आपने वॉलपेपर को फिक्स कर दिया, इससे अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। सो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वॉलपेपर पे ग्लू अप्लाई करना है एंड देन वॉल पे अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। अभी आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर के पीसेस को काटा गया था, अब उसको वन बाय वन करके वॉल पे फिक्स किया जा रहा है। वॉलपेपर को फिक्स करते टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं भी बबल ना आए एंड श्रिंकेज का इशू ना हो। उसके लिए अभी आप एक वाइट कलर का टूल देख रहे हैं, इसी टूल की हेल्प से जो एक्स्ट्रा ग्लू होता है उसको वाइप आउट कर दिया जाता है जिससे एक स्मूथ फिनिश मिले। एंड साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो वॉलपेपर है वो शार्प एजेस के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम है, कॉलम के लेफ्ट एंड राइट में एजेस हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉलपेपर लगने के बाद जो है जो एजेस हैं कॉलम के वो छुप जाएं। ओके, अदरवाइज फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। सो ये सब भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉलपेपर लगाते टाइम। वॉलपेपर को अच्छे से फिक्स करने के बाद जो कॉर्नर्स हैं वॉल के, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वॉलपेपर का, उसको ब्लेड से कट करके निकाल लेना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. वन मोर थिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वॉल पे दिए गए हैं उनको मिस आउट नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वायर दिख रहा है। ओके, बेसिकली इस वॉल पे माउंटिंग लाइट्स लगेंगी। सो वॉलपेपर में होल करके वायर को पुल आउट किया जा रहा है। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा देन आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अभी आप जो वॉलपेपर देख रहे हैं ये पैटर्न बेस्ड वॉलपेपर है। इसके पहले जो वॉलपेपर था वो उसमें कोई भी पैटर्न नहीं था। सो पैटर्न वाले वॉलपेपर पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, सो जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे जो पैटर्न्स होंगी वो मैच होनी चाहिए। बिकॉज इनिशियल में ही हमने आपको बताया था कि जो वॉलपेपर होता है वो पीसेस के अकॉर्डिंग लगता है। सो अगर पीस में वॉलपेपर लगेगा एंड पैटर्न बेस्ड वॉलपेपर है, सो जो पहले पीस का पैटर्न है वो दूसरे पीस के पैटर्न से मैच करना चाहिए, अदरवाइज ओवरऑल लुक देखने को अच्छा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पैटर्न मिसमैच।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड है वहाँ पे जो कवर होता है उसको निकाल कर तब वॉलपेपर को लगाया गया है। जनरली होता क्या है, मिस्टेक जो होता है, जो कवर होता है वो लगा रहता है एंड वॉलपेपर को लगा दिया जाता है। उससे होता क्या है कि जो वॉलपेपर है एंड जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड सर्किट है उसके बीच में गैप देखने को मिलता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी वॉलपेपर को लगाएं तो जो पैनल है कवर उसको निकाल लेना है इलेक्ट्रिकल बोर्ड का एंड उसके बाद वॉलपेपर लगा के देन कवर को फिक्स करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉलपेपर लगाने के बाद पूरे वॉलपेपर के सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की हेल्प से इसको क्लीन किया जा रहा है। इसको क्लीन क्यों किया जाता है, पहली चीज़ कि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लू होता है वो निकल जाता है एंड सेकेंड जो ओवरऑल लुक है वो नीट एंड क्लीन दिखता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर लगने के बाद जो फाइनल लुक है वो कैसा दिख रहा है, पैटर्न बेस्ड एंड नॉन पैटर्न दोनों का ही फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कि वॉलपेपर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जो स्टेप्स के बारे में एंड जो पॉइंट्स के बारे में समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको ये डिज़ाइंस जो हैं वो कैसी लगी हैं एंड साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।